तो अभी मेरे साथ है हरदा के प्रत्याशी कांग्रेस से दोगने जी तो दोगने जी हम बात करते हैं यहाँ पर आ, बदलाव की लहर चल रही है उस पर आपका क्या कहना है देखिए बिल्कुल परिवर्तन की लहर है पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन चाहती जनता और कमलनाथ जी के नेतृत्व सरकार बनेगी और हरदा में भी हम लोग कांग्रेस से जीत के जाएंगे ये पूरी जनता में मैसेज है कहीं कही ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता थोड़ा सा मुश्किल मामला क्योंकि इतने समय से हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं वो लोकप्रिय किसान नेता रहे हैं उस पर क्या कहना देखिए नकली किसान नेता है असली किसान नेता नहीं है अगर असली किसान नेता हो तो हरदा में कृषि महाविद्यालय आज तक खुल जाता इन्होंने तीन तीन चार चार बार घोषणा कर चुके आज तक नहीं खुला इसके अलावा किसानों के लिए किया क्या ये बताए तो एक भी बताए मैंने तो नहर ला के दी आज देखें कुड़ावा से उधर जाओगे आप दस बारह गाँव में तो नहर मैंने ला के दी ये नहर नहीं खुदवा पाए मैंने मुहाल के पास चार माइनर सेंक्शन कराई चार पांच गाँव को सिंचाई होना है उनको इन्हने बनने नहीं दिया वो रुकी हुई पड़ी अभी और टेंडर हो गया सब ठेकेदार का वो है पर वही बनने नहीं दे रहे तो वो चीजें अभी बनवाएंगे तो कृषि मंत्री को कृषि किसान के लिए काम किया क्या इन्होंने किसानों से पांच पांच हजार रुपये दस दस हजार रुपये टाली के सोसाइटी ने यहाँ वसूला और ये देखते रहे जब कृषि मंत्री है किसानों से वसूली हो रही तो क्या कर रहे थे कृषि मंत्री इस तरह से कृषि मंत्री तो नकली है ये असली कृषि मंत्री नहीं है झूठ बोलते हैं ये खेत, खेती किसान के नाम से राजनीति करते हैं और किसानों की लूट रहे हैं अच्छा यहाँ पर हरदा वैसे ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है यहाँ पर इतने बड़े बड़े अभी काम हो रहे हैं जैसे ड्रग्स सप्लाई अभी कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था यहाँ पर और लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले हैं तो कभी आपकी सरकार आती है तो क्या ये कम होगा ये पंद्रह दिन के अंदर में बंद करा दूंगा जो अवैध सट्टा जुआ जो चल रहा है वो पंद्रह दिन के अंदर में बनाऊंगा सरकार बनेगी हमारी मैं खत्म कराऊंगा जो जहाँ चल रहा है कौन चला रहा है ये लोगों को मालूम कृषि मंत्री का शागिर्द आदमी जो है वो चला रहा है जुआ भी वो जुआ घर चला रहा है इसके अलावा यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा बहुत अच्छा प्रोटेंशियल जिला है में हैं। और व्हाइट पाउडर वो तो दुर्भाग्य ऐसा जनप्रतिनिधि है जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इनकी पुलिस क्या कर रही है इनका प्रशासन क्या कर रहा है मतलब गांजा अफीम ये दो सब दूध बाल गई है व्हाइट पाउडर जो आता है एम पाउडर का बोलते हैं वो तक मिल रहा है हड़ता में और बच्चे नशा कर रहे हैं उसका पकड़े गए हैं नशा करते हुए और वही बच्चे नशा करने वाले खुद से ही सप्लाई होने हो रही है तो दुर्भाग्य है कि ऐसे मंत्री को कि मंत्री के जिले में इस तरह की घटना हो रही है क्रिया हो रही है और बहुत सारे बलात्कार और ये सब चीज़ें हो रही हैं उन पर भी कोई कंट्रोल नहीं है ये दबाव बना के कंप्लेंट ही नहीं लिखाने नहीं देते हैं पुलिस कंप्लेंट ही नहीं लिखती लोगों की ये भी समस्या है तो ये सब दूर करेंगे और पंद्रह दिन के अंदर अवैध जो धंधे हैं यहाँ पे जुआ सट्टा नशे के जो ये सब बंद करा देंगे अच्छा जो अभी फिलहाल ही में हाल ही में जो सुरेंद्र जैन जी हैं जो हरदा के चाणक्य के माने जाते थे बीजेपी के वो आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं उनका क्या कहना है देखिए सुरेंद जी हमारे साथी हो गए हैं अब पहले भाजपा में थे और बिल्कुल सही बात है वो हर नगर पालिका में प्रभाव रखते हैं तो उनका पूरा पूरा हमको लाभ मिल रहा है और जनता में भी उनका प्रभाव पड़ा उनके आने के बाद पता लगा कि भाजपा की रीति नीति क्या है वो जब बता रहे हैं कि भाजपा में उनके साथ क्या क्या हुआ और भाजपा में अंदर क्या होता है वो सब चीज़ें बता रहे हैं जनता के बीच में तो निश्चित ही मैसेज जा रहा है और भाजपा की रीति नीति को उजागर कर रहे हैं इसलिए हम उनको उसका प्रभाव उनका प्रभाव भी बहुत अच्छा पड़ रहा है हमने अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता कि वो इतने समय से बीजेपी से जुड़े हुए थे और अचानक आपकी पार्टी में आ गए हैं तो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू नहीं 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 ट्रस्ट का इशू नहीं है हमारे पास देखिए क्या है कि जब आदमी स्वेच्छा से आता है और ईमानदारी से काम करता है तो उसमें ट्रस्ट की तो कोई बात ही नहीं होती है और वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं हमारा हमारा पूरा विश्वास उन पर है और वो काम भी कर रहे हैं ईमानदारी से कोई ऐसी शंका वाली बात नहीं है चलिए तो हमारे साथ थे अभी दोगने जी उन्होंने बताया कि हरदा में बदलाव की लहर है तो ऐसे ही आप बने रहिए मेरे साथ दखिल न्यूज पर मैं हूं सपना कैमरामैन वेब के साथ